दिल्ली हाईवे पर कुकस के पास स्थित शिव विलास होटल में गत रात्रि को आग लगने पर कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ होटल प्रबंधक द्वारा अभद्रता करते हुए कैमरे की फोटो डिलीट कर फोन तोड़ने व हाथापाई करने के मामले में आमेर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। होटल में आग लगने पर करीबन एक दर्जन कर्मचारी फंस गए थे, जिनको पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला था। गौरतलब है कि बुधवार रात्रि को शिव विलास होटल की लॉन्ड्री में आग लग गई थी। सूचना पर क्षेत्र के मीडिया कर्मी घटना का कवरेज करने मौके पर पहुंचे थे। पत्रकार प्रवीण शर्मा व जीतू चौहान आग के फोटो वीडियो ले रहे थे कि वहां मौजूद होटल प्रबंधक महेश शर्मा ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की ओर गाली गलौच करते हुए अन्य होटल कर्मियों को साथ लेकर पत्रकार प्रवीण शर्मा व जीतू चौहान को पकड़ लिया व जबरदस्ती आगजनी की ली गई फोटो व वीडियो डिलीट करवाए व मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव करके पत्रकारों को छुड़वाया। पत्रकारों को चोट भी आई। पत्रकारों के साथ हुई घटना का पता चलते ही पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया। गुरुवार को इस संबंध में आमेर थाना में होटल प्रबंधक के खिलाफ मामला पत्रकार बना दिया, मुझे गाली गलौज करा, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर मैंने मुझे आप कौन हो, उसने कहा कि मैं महेश शर्मा हूँ, होटल मैनेजर हूँ यहाँ पे। तो हमारे साथ बस लोग, अगर वहाँ पे आमेर पुलिस नहीं होती तो हमारी जान पर बनाती। अंदर का हमने ये देखा कि ना तो वहाँ फायर का कोई आग बुझाने का यंत्र था और एग्जॉस्ट भी नहीं थे। बाहर से जैसे धुआं भर चुका था, वो बाहर से मतलब पंखे लेके आए वो धुआं निकालने के लिए, तो ऐसा कोई उपकरण नहीं था वहाँ पे आग बुझाने का। मुझे सूचना मिली थी कि शिव विलास होटल में रात को 7:30-8 बजे की समथिंग आग लगी है और दमकल वहाँ पहुँच रही है। तो सूचना के बाद मैं मौके पर निकलने से पहले मैंने चेतक को फोन किया। चेतक पे मैंने महेश जी हेड कॉन्स्टेबल जी की पता किया कि ये घटना सच्ची है कि झूठी है। तो उन्होंने कहा कि हम मौके पे आप आ जाओ, तो मैं मौके पे चला गया। मौके पे जाने के बाद मेरे साथी जीतू चौहान जी हैं, मैं और मेरे साथी दोनों वहाँ मीडिया कवरेज के लिए पहुंचे। तो जैसे हमने फोटो और वीडियो बनाए तो वहाँ के जो अपने आप को होटल का मैनेजर बता रहा था महेश शर्मा, उसने हमारे साथ अभद्रता की, हमारे साथ मारपीट की और हमें धक्का दे के हमारे को नीचे गिरा दिया और हाथ से मोबाइल छीन के और जितने फोटो और वीडियो थे वो सारे डिलीट कर दिए। उसके बाद मेरा दूसरा मोबाइल था जो मेरी जेब में था, तो उन्होंने कहा इसका पासवर्ड बताओ, तो मैंने पासवर्ड देने से मना कर दिया। तो उन्होंने उस मोबाइल को उठा के नीचे तोड़ दिया और कहा कि अब इसमें सब कुछ गायब हो जाएगा, अब तो क्या कर लेगा। हमारे यहाँ तो अधिकारियों के, IAS अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के रिश्तेदार और यहाँ ठहराते हैं, हम उनकी यहाँ पे सेवा पानी करते हैं, तेरी कौन सुनेगा, हम सब देख लेते हैं, हमारी ऊंची तक पहुंच है। इसके बाद हमारे छीना झपटी करी, मेरे जेब से 25,000 रुपए थे, मेरे साथी की जेब से 18,000 रुपए थे, वो निकाली, यहाँ गला पकड़ के और मेरी चैन वगैरह तोड़ ली और मेरे जो डॉक्यूमेंट थे वो भी सारे वहीं पे गिर गए और मेरे साथ मारपीट हो गई और मेरे जितने भी मैंने वीडियो और फोटो बनाए थे वो सारे डिलीट कर दिए। जब ये घटना मेरे साथ हो रही थी उस समय वहाँ पुलिस कर्मचारी और ASI राजेंद्र सिंह जी और हेड कॉन्स्टेबल महेश चंद जी और कॉन्स्टेबल पवन जी वहाँ चेतक के साथ मौजूद थे। तो मैंने उनको तुरंत प्रभाव से कहा कि सर ये देखो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बीच बिछाव किया और मुझे पकड़कर बाहर लेकर आए और मेरी जान बचाई, वरना वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। वहाँ कम से कम 150 लोग थे जो एक साथ हम पर हमला किया। मैंने आमेर थाने में रिपोर्ट दे दी है और मामला दर्ज कर लिया है और वो जाँच के लिए कर रहे हैं। शिव विलास होटल में कल आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर हमने हमारे जाब्ता भी भेजा गया था और अभी सुबह जब संवाददाता थाने पर आए उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है कि हमारे साथ कल ऐसी बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया है, जिसका इन्वेस्टिगेशन जितेंद्र जी सब इंस्पेक्टर हैं वो कर रहे हैं, जैसी स्थिति होगी वो कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल पर आपके स्टाफ में कौन कौन? हाँ, राजेंद्र जी सभी ASI गए थे और महेश जी हेड कॉन्स्टेबल जो नाइट क्षेत्र गाड़ी में थे, वो जाब्ता हमारा वहाँ पर मौजूद था उस समय। कल शिव विलास होटल में हमारे मीडिया कर्मियों के साथ जो वहाँ होटल प्रशासन ने बदसलूकी की, उसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई करे, यदि कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम आगे तक इसको लेकर ये मुद्दा उठाएंगे। आपका नाम बताइए। जगदीश शर्मा, जर्नलिस्ट एसोसिएशन राजस्थान जार, जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष। जिस प्रकार की रात को घटना हुई है शिव विलास होटल में, ये बड़ी निंदनीय है
और ये होटल तो शुरू से ही चर्चा में रही है, इसमें कई अवैध काम होते हैं। अब ये कोई इसकी जांच करता नहीं, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि इतनी बड़ी होटल है, उसमें कोई आग बुझाने के उपकरण वहाँ उसमें मौजूद नहीं है, और CFO जो यहाँ का चीफ फायर ऑफिसर है वो तो किस प्रकार इनको NOC दे देता है, किस प्रकार ये संचालित करते हैं और ये अवैध काम होते हैं। मैंने सुना है जमारामगढ़ भी एक होटल इनकी बन रही है विलास वालों की, उसमें भी ये बिना कन्वर्जन के वहाँ होटल डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारे अवैध काम होते हैं। मेरा ये कहना है प्रशासन से कि इस प्रकार के इस होटल को सीज किया जाए और इसमें जितनी भी अवैध गतिविधियां होती हैं, जो भी कमियां हैं, उन पे कार्रवाई की जाए, और जो इनके साथ मारपीट की है उनको, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। यही मेरा कहना है।